नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुण। गुण का लक्षण समवायितु निश्चेष्ट है कारणम गुणे चरक सूत्रस्थान, अर्थात जो द्रव्य में समवाय संबंध में रहता है, जो चेष्टा रहित होता है, उसे गुण कहते हैं। गुण का वर्गीकरण देखें तो यह दो प्रकार का होता है, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भेद से इसके 6 प्रकार होते हैं, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। आदि भौतिक से ये दो प्रकार का होता है, सामान्य और वैशेषिक। सामान्य से फिर फर्दर दो प्रकार का होता है, गुरुवादी और परादी। गुरुवादी गुण 20 होते हैं, परादी गुण 10 होते हैं और वैशेषिक गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 होते हैं। अब आध्यात्मिक गुणों का वर्णन। आध्यात्मिक गुण है इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। इच्छा यानी कि कामना, ठीक है, जो मन में किसी वस्तु की या विषय की जो भी हम कामना करते हैं वही इच्छा होती है। और ये दो प्रकार की होती है, फलेच्छा और उपाय इच्छा। और इच्छा जो है वो जीवात्मा का गुण बताया गया है। द्वेष, जिसके होने पर अपने आप को प्रज्वलित की भांति मानता है, वह द्वेष है। यानी कि किससे जलन करना, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की जलन करना, किसी के मन में द्वेष हो जाने पर वह प्रज्वलात्मक हो जाता है। यानी कि वो अपने स्वयं को वह जलने की अनुभूति उसको प्रतीत होती है। तर्क संग्रह में क्रोध ही द्वेष है, यह आत्मा का गुण बताया गया है। सुख, सभी मित्र शत्रु का जो प्रियजनक है। सुख तो संसार की ही अभिलाषा का विषय है, यानी कि जो इच्छा, मतलब जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है उसके बाद हमें जिस चीज़ की अनुभूति होती है वही सुख कहा गया है और यह धर्म से उत्पन्न होता है। दुख यानी कि हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं होगी, उसके बाद जो हमें पीड़ा होती है, जो हमारा मन प्रतिकूल हो जाता है, वह दुख कहा गया है। प्रयत्न, कृति ही प्रयत्न है, यह 3 प्रकार की होती है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन कारण। बुद्धि, यह घट है, वह पट है, इस प्रकार का जो निश्चय करती है, यानी कि जो सही गलत का निश्चय करती है, जो बताती है, वही बुद्धि कहलाती है। सभी प्रकार के जो आहार विहार व्यवहार हैं उनका हेतु जो होती है वो बुद्धि होती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। बुद्धि आदि गुणों का चिकित्सा में महत्व। चरक ने सूत्र स्थान में सद्वृत्त का एवं चिकित्सा स्थान में आचार रसायन का उल्लेख किया है। इनके सेवन से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहता है। इस आचार रसायन के सेवन में मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। इस आचार रसायन के सेवन से आत्मगुणों के ज्ञान की अधिक उपयोगिता है। आयुर्वेद में असातम्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध एवं परिणाम को रोग का कारण कहा गया है। इनमें जो प्रज्ञापराध है वो कारण प्रधान है। शब्द आदि गुणों का यथाक्रम विवेचन। शब्द, जो श्रोत इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है वह शब्द होता है और यह केवल आकाश में ही रहता है, क्योंकि यह आकाश का गुण है। यह 2 प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्ण्यात्मक। ध्वन्यात्मक यानी कि कोई भी गिटार वगैरह बजा रहा है, वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो वो ध्वन्यात्मक। कोई भी हम वर्ण बोल रहे हैं जैसे अ, क, तो ये सभी वर्णात्मक होते हैं। स्पर्श, जिस गुण का केवल त्वचा इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है, स्पर्श होता है। यह 3 प्रकार का होता है, शीत, ठंडा, उष्ण, गर्म, अनुष्ण शीत, यानी कि ना ठंडा ना गर्म। रूप, जिस गुण का केवल चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है, यह 7 प्रकार का होता है, शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कपीस और चित्र। यह रूप पृथ्वी, जल व तेज में रहता है। रस, जीवा, जीवा द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। यह भी 6 प्रकार का होता है, मधुर, अमर, लवण, कटुतिक, कसाय। यह पृथ्वी के जल में रहता है। गंध, ग्राण इंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है वह गंध होता है। यह 2 प्रकार का होता है, सुगंध यानी कि अच्छी गंध और दुर्गंध यानी कि बुरी गंध, जो नाक को प्रिय ना हो। यह केवल पृथ्वी में ही रहता है। अब शब्द आदि गुणों की चिकित्सा में उपयोगिता क्या है? रोग की परीक्षा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणों का चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्व रखता है। रोगों की उत्पत्ति में असातम्य इंद्रियात संयोग एक प्रधान कारण माना गया है। शब्द आदि का अतियोग हो जाना, हीन योग हो जाना या फिर मिथ्या योग हो जाना रोग का कारण माना गया है। जो शब्द आदि का जो संयोग माना गया है वही आरोग्य का कारण माना गया है। धन्यवाद।